so today we have another latest cue card that is describe an old friend that you got in contact with again कि एक पुराना friend जिसके साथ मैं दोबारा मैं दोबारा से contact कर पाई who this person is के person कौन है what this person is like इस person पे pe person है कैसा how you got in contact और इससे दोबारा से contact कैसे हुआ how you felt about it और दोबारा contact करके आपको कैसा feel हुआ सो लेट्स सी दिम्पल आंसर वेल गेटिंग एंड लूजिंग कॉन्टैक्ट हैज़ बिकम सो कॉमन इन दिस डे एंड एज ड्यू टू फास्ट पेज लाइफ कि आज इतनी मतलब हमारी लाइफ की जितनी फास्ट हो गई है ना उसके चलते आज के आज कल कॉन्टैक्ट्स किसी से लेना और उनका गुम करना बहुत ईज बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है इन दिस डे एंड एज का मतलब होता है इन द मॉडर्न वर्ल्ड सो

जो जिससे मेरे दोबारा से कॉन्टेक्ट हुआ और वो मेरा बहुत पुराना दोस्त भी था सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ताकि आपको सारे वीडियोज के अपडेट्स के बारे में पता चलता है लिंक like, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा सो दर्स दिस पर्सन इज नन अदर देन जोन की जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम जोन है हु इज नॉट ओनली माई बोजम फ्रेंड जो सिर्फ मेरे बोजम फ्रेंड नहीं है बट ऑल्सो माई नेबर बट मेरा नेबर भी है ओके okay. बोसम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड uh, यहाँ पे बट ऑल बट वॉज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरा नेबर भी था ही माई प्राइमरी स्कूल मेरे प्राइमरी स्कूल में वो मेरा क्लासमेट था वी यूज टू प्ले टूगेदर इन द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग टाइम और इवनिंग टाइम में हम साथ में प्ले ग्राउंड में खेलते थे बट आफ्टर दैट माई फादर गो टू हिज जॉब ट्रांसफर टू डेली बट उसके बाद मेरे फादर का जॉब ट्रांसफर हो गया डेली में सो आई हैड टू मूव मेरे को भी मूव होना पड़ा एंड ड्यूरिंग आई मिस कॉन्टेक्ट नंबर और जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो मुझसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लूज हो गया मिसप्लेस हो गया इफ आई टॉक अबाउट हिज पर्सनैलिटी अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी की बात करू हीट चार्मिंग की वो बहुत चार्मिंग है अट्रैक्टिव है ही हेज अ हर्ट ऑफ गोल्ड की जो उसके पास है हर्ट गोल्ड का मीन्स वो बहुत ज्यादा काइंड हर्टेड है मोर ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हैं इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है ही इज नॉट ओनली वेल मैनर्ड बट ऑल्सो अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स वो सिर्फ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता बट वो अपनी वादों का भी पकता है अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि जो वो बोलता है वो करता है

में वेयर ऑल द स्कूल्स हैड पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हर स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड के एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एक एडियम है जिसका मतलब होता है एवरी वेयर ऑफ द्रॉम द वर्ल्ड सो एट द सेम वेन्यू आई स्पोर्टेड हिम और सेम वेन्यू पे वहीं पे एग्जिबिशन में मैंने उसको स्पॉट किया मैंने उसको देखा एंड एंजॉयड अवर चाइल्डहुड मेमोरीज अगेन और हमने दोबारा से अपने बचपन की यादें इन्जॉय की आफ्टर दैट वी कॉल इच अदर फ्रिक्वेंटली और उसके बाद हम एक दूसरे को बहुत फ्रिक्वेंटली uh, कॉल करते हैं टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट ओवर द मून एज आई गोट माई बेस्ट फ्रेंड बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद होम आई कैन शेयर एवरी थिंग तो अगर मैं सच कू मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड वापिस मिल गया है बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ ऑल uh, तो फिर आपको लास्ट लाइन इसमें भी ऐड करनी है सो ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम वेन आई गोट इन कॉन्टैक्ट विद माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब